नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारती परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास कॉमर्स की बिजनेस स्टडी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का एच पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और इस पार्ट में हम जो टर्सरी सेक्टर जो है बिजनेस का, हमने उस दिन क्लासिफिकेशन पढ़ा था बिजनेस एक्टिविटीज़ का, उसमें टर्सरी हमारा बाकी था, प्राइमरी और सेकेंडरी को हम पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम टर्सरी सेक्टर जो है उसको पढ़ेंगे, टर्सरी पार्ट को, सेवा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इन तीनों में क्या अंतर है, इन चीज़ों को जानेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। ये आपकी बुक जो है, कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी बुक से हम पढ़े, कौन सी बुक से नहीं पढ़े, तो इस बुक को प्रेफर, जो गवर्नमेंट बुक है उसी को प्रेफर करें। बिजनेस स्टडी की जो गवर्नमेंट बुक है, फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडी एंड कॉमर्स। और आज का हमारा टॉपिक है टर्शियरी इंडस्ट्रीज। देखिए, अक्सर समस्या रहती है कि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के भी होते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। दोनों के लिए मैंने यहाँ पर जॉइंट रूप में चैप्टर दिया है ताकि दोनों को सुगमता रहे। हिंदी वाले हिंदी में इसको देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। टर्सरी सेक्टर की और हम टर्सरी इंडस्ट्री जो है उस टर्सरी इंडस्ट्री की ओर चलते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री, दीज आर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग। तो यहां पर हम टर्सरी इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि दीज आर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्सरी जो इंडस्ट्री है, टर्सरी इंडस्ट्री क्या है, तो टर्सरी इंडस्ट्री में प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए काम करती है, उसको सहायता करने के लिए काम करती है, एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। ट्रेड से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज है, ठीक है, उनकी सहायता के लिए बनी होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग सर्विस फैसिलिटीज। और ये इंडस्ट्री है वो क्या देती है, ये इंडस्ट्री सर्विस फैसिलिटीज देती है। एज बिजनेस एक्टिविटीज दीज मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिजनेस एज एक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज असिस्ट टू ट्रेड इंक्लूड इन दिस कैटेगरीज आर ट्रांसपोर्ट बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग कम्युनिकेशंस पैकेजिंग लेबलिंग एंड एडवर्टीजिंग। ये सभी वो चीज़ें हैं। देखिए, अगर इन चीज़ों को हम देखें तो ये सभी नाम दिए हुए हैं, ये सभी कैटेगरीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। हम एक एक को आगे पढ़ेंगे भी। ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्ट भी बिजनेस को ग्रो करने में बिजनेस की हेल्प करता है, ठीक है। एक चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब जहाँ पर भी प्लेस की प्रॉब्लम्स आती है, जगह की प्रॉब्लम आती है, अक्सर होता ये है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे प्रोड्यूस होती है या जहाँ पर पैदा होती है वहाँ पर उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसे दूसरी जगह पहुँचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें बैंकिंग की नीड पड़ती है, रिस्क को दूर करने के लिए हमें इंश्योरेंस की नीड पड़ती है, वेयर हाउसिंग माल को स्टोरेज करने के लिए वेयर हाउसिंग की, और कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन, एक मैनेजर अगर कोई वर्क करता है तो उसका 90% काम कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी पूरा नहीं, अधूरा है सब कुछ। पैकेजिंग की बात करें तो जो दिखता है सो बिकता है, ठीक है, तो उसको सही स्वरूप में पैकेजिंग करना और फिर मार्केट में उसको एडवर्टाइज करना, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना कि हमने ये चीज़ बना ली है, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग करना। तो ये टर्शियरी इंडस्ट्रीज के पार्ट हैं। तो हमने जाना कि टर्शियरी इंडस्ट्री क्या है। हाँ, तृतीय या सेवा उद्योग क्या है। तो सेवा उद्योग क्या है, तो सेवा उद्योग में प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को क्या दी जाती है, सहायक सेवाएं सुलभ करवाई जाती है।
क्लियर, वो सभी एक्टिविटीज, वो सभी क्रियाएं जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को क्या करती है, सेवाएं उपलब्ध करवाती है, सहायता करती है, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टर्शरी या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय पेशा और रोजगार। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों के अंदर क्या अंतर है, इन अंतर को, इनमें क्या डिफरेंसिएशंस हैं, उनको हम इन 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन 9 पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। एक अच्छा जो टीचर है, या मैं ऐसे कहूँ कि किसी भी, अगर आप एग्जाम को उठा के देखेंगे, पेपर को उठा के देखेंगे 11th क्लास का, तो लगभग टीचर्स की फर्स्ट चॉइस होती है वो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बनता है बिजनेस की विशेषताओं में से, दूसरा क्वेश्चन अगर बनता है तो वो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि डिफरेंस अमॉन्ग बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, व्यवसाय पेशा और रोजगार में क्या अंतर है, तो अंतर से प्रश्न जरूर से जरूर उठाया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझे और देखें। ठीक है, सबसे पहले जो बात की जा रही है वो यहाँ पर एक बेसिस दिया गया है, एक अंतर का आधार दिया गया है। ठीक है, कि अंतर का आधार क्या है, अंतर का आधार क्या है, इधर बेसिस के रूप में दिया गया कि क्या बेस है, तो सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरीज। देखिए, उद्यमी जो होता है, उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं यदि आवश्यक हो, व्यवसाय की स्थापना करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो बिजनेस की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज नेसेसरी होती है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो लीगल फॉर्मेलिटीज नेसेसरी होती है। ठीक है, पहली बात। लेकिन प्रोफेशन की बात करें, इफ वी वांट टू स्टार्ट आवर प्रोफेशन, अगर हमें हमारा प्रोफेशन सेवा जॉब के पेशा जो है, पेशेवर काम शुरू करना है, तो पेशेवर काम के लिए हमें क्या चाहिए, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपके पास में प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में प्रोफेशनल बॉडी जो होती है, जो आपको रजिस्टर्ड करती है, उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको जरूरी है। जैसे अगर आप सीए का काम शुरू करने जा रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एजेंसी है, आपको उसका मेंबरशिप जरूरी है। ठीक है, ICAI, उसका प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट आपको जरूरी है। तो बात कर रहे हैं रोजगार की, तो अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। अगर आप एक नौकरी करने जा रहे हैं, तो नौकरी के लिए आपको क्या चीज जरूरी है, तो नौकरी के लिए आपको किसी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटी की नीड नहीं है, नौकरी के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी प्रोफेशनल बॉडी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, नौकरी के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट नेसेसरी है। जब तक लेटर, आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, सर्विस एग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक नौकरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमने बात की मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और मोड ऑफ एस्टेब्लिश का मतलब है काम की शुरुआत करना। ठीक है, स्थापना की विधि, स्थापना का मेथड क्या है। फिर हम बात करें नंबर सेकंड अगर बात करते हैं तो नेचर ऑफ वर्क। तीनों का नेचर दे रखा है, नेचर का मतलब होता है स्वभाव, प्रकृति। बिजनेस का स्वभाव कैसा है, प्रोफेशन का स्वभाव कैसा है, और एम्प्लॉयमेंट का स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसा है। तो नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो बिजनेस प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक, मतलब जनता को वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता। सीधी सी बात है, बिजनेस में चीजों को तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, और प्रोडक्शन किया जाता है तो उनको जनता के लिए तो बनाया जाता है। एक बिजनेसमैन अगर कोई चीज, किसी चीज को बनाता है तो क्यों बनाता है, वो इसलिए बनाता है ताकि जनता जो है, पब्लिक जो है, पर्सन जो है, वो उस चीज का उपयोग करे।
मेरे हाथ में पेन है, अगर प्रोड्यूसिंग कंपनी ने इसको बनाया है, किस कंपनी ने इसको बनाया है, न्यू लाइन कंपनी है, उसने इस पेन को बनाया, तो क्यों बनाया? ताकि लोग इसका यूज कर सके। ठीक है, तो ये यहां पर कह रहा है प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक, जनता को सेवाओं तथा वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता मिल सके। रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस मीन्स व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। एक डॉक्टर जो है, एक टीचर जो है, एक वकील जो है, लॉयर जो है, ये सब अपनी जो पर्सनलाइज सेवाएं होते हैं, जो पर्सनल जो सर्विसेज होती है, वो सेवाएं देते हैं। तो रेंडरिंग पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है कार्य की प्रकृति? तो परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में हमें नौकरी करनी है, रोजगार करना है, किसी के अंडर में काम करना है, तो सीधी सी बात है जैसा हमारे कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस होंगे, जैसे सर्विस रूल्स बने हुए हैं, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, उसी बेस पे हमें काम करना होगा। नंबर थर्ड इज क्वालिफिकेशन। नंबर थर्ड इज क्वालिफिकेशन कि बिजनेस के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हाँ, प्रोफेशन के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी एसेंशियल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस की, तो कह रखा है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। देखिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस कोई भी कर सकता है, बिजनेस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई डिग्री होल्डर होना चाहिए, कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, एमबीए होल्डर, नो, बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेस करता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है, बस उसमें समझ होनी चाहिए, काम को करने का उसको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यहां पर असेंशियल नहीं है, यहां पर असेंशियल क्या है, उसको समझ होनी चाहिए, काम की जानकारी होनी चाहिए उसको बस। तो नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। प्रोफेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड इज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज अ मस्ट। जो भी प्रोफेशनल बॉडी ने उनके लिए लागू की है वो क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें कि 11 12th को अगर कोई व्यक्ति कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके लिए जो प्रोफेशनल बॉडी है उसने लागू किया है कि कम से कम उसके पास MA MSc या MCOM होना चाहिए और साथ में उसके पास BEd की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पास में BEd की डिग्री भी होनी चाहिए, MA MCOM MSc भी होना चाहिए, ये उसके लिए जरूरी किया गया, जो कम से कम 11th 12th क्लास को पढ़ाता है, 10th क्लास को पढ़ाता है, तो उसके लिए भी कम से कम जो है BA BCOM तो होना चाहिए, BSc होना चाहिए और उसके पास BEd की डिग्री होना चाहिए जब वो 10th क्लास को पढ़ा सकता है। तो बात ये कर रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉडी ने, आप जिस भी प्रोफेशन की बात करें, हर प्रोफेशन की अलग प्रोफेशनल बॉडी होती है, वो प्रोफेशनल बॉडी जो इंडिकेट करती है, जो प्रिस्क्राइब करती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता यहाँ पर अति आवश्यक है। विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता होना जरूरी है। अगर विशेष योग्यता नहीं है तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। एक डॉक्टर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कोई डॉक्टर है वो आईज का स्पेशलिस्ट होता है, कोई कान का होता है, कोई नोज का होता है, कोई पेट का होता है, कोई हड्डियों का होता है, कोई हेयर का होता है, कोई स्किन ट्रीटमेंट का होता है। तो इस प्रकार से जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, वकील वगैरह होते हैं, तो वो भी अपने अलग अलग फील्ड के होते हैं, हाँ, कोई सिविल का होता है, कोई किस अलग तरह का होता है। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता अति आवश्यक है। अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर चाहेगा वैसी ही क्वालिफिकेशन चाहिए। डिपेंड कर रहा है कि आप जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी किस तरह की कर रहे हैं, और आपका जो ऑनर जो है, मालिक जो है, जो आपको नौकरी दे रहा है, ठीक है, वो आपसे किस प्रकार का काम करवाना चाह रहा है। अगर आप किसी संस्था में हल्का फुल्का काम करना चाह रहे हैं, एक चपरासी का काम करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, वहां पर क्लास 4th क्लास 5th पास आउट भी चल जाएगा। लेकिन आप एक नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और आप एक अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, आपको एक जैसे रिसेप्शनिस्ट वगैरह काम करना पर 10वीं बारी चल जाएगा। लेकिन अगर आप और अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी तो बेटा RS की भी होती है,
राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो नौकरी है वो भी एक नौकरी है। हाँ, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा क्वालिफाइड होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि ऑनर जो आपको सर्विस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन की नीड पड़ेगी। रिटर्न और रिवॉर्ड, रिटर्न आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिल रहा है। तो देखिए, प्रोफेशन बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस में क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट मिलता है, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में आपको फी मिलती है। बोलो क्या मिलती है? फी, है ना। यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता प्रोफेशन में, कि कोई भी टीचर है वो प्रॉफिट नहीं कमाता, कोई भी वकील है, कोई भी सीए है, कोई भी डॉक्टर है, वो प्रॉफिट नहीं कमाता। वो क्या क्या लेता है? वो फी लेता है, ठीक है। आगे बात करें सैलरी एंड वेजेस, तो एम्प्लॉयमेंट में नौकर जो होता है, नौकरी जो करता है, उसे नौकरी के बदले हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। चाहे छोटी से छोटी नौकरी हो, चाहे चपरासी की नौकरी हो, और चाहे प्रशासनिक नौकरी हो, हर नौकरी में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, कहीं पर भी प्रॉफिट और फी नहीं मिलता, ठीक है। आगे बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? पूंजी का, पूंजी लगाना। पूंजी लगा करके जो पूंजी कमाई जाती है ना, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, पूंजी निवेश की बात करें, तो बिजनेस में डिपेंड करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। एज पर साइज, साइज की बात कर रहे हैं, बिजनेस का साइज कैसा है। अगर आप छोटे स्तर का कारोबार करना चाह रहे हैं तो आपको कम कैपिटल चाहिए। अगर आप बड़े लेवल का कारोबार करना चाह रहे हैं तो आपको बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की नीड होगी आपको। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस की साइज कैसी है, ठीक है। एंड प्रोफेशन की बात करें तो लिमिटेड कैपिटल नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट। प्रोफेशनल काम के लिए ज़्यादा कैपिटल की नीड नहीं होती, लेकिन कैपिटल की नीड होती जरूर है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रखा है? नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूंजी तो वो लगाएगा जो बिजनेस करेगा, आपको तो नौकरी करनी है, और नौकरी करने के लिए आपको कैपिटल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रिस्क, रिस्क की बात करें तो रिस्क देखो, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क इज प्रेजेंट। देखिए, रिस्क वहां रहती है जहां पर अनसर्टेनिटी रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि अनसर्टेनिटी इज द मदर ऑफ द रिस्क। रिस्क क्या है? तो रिस्क जो आती है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से आती है, और सबसे ज्यादा जो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता जो होती है, वो अनिश्चितता होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो वहां पर इररेगुलरिटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए वहां पर रिस्क रहती है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगी। तो यहां पर रिस्क रहती है। फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में फीस जो होती है जनरली क्या रहती है? जनरली रेगुलर रहती है और सर्टेन रहती है। बाई चांस कभी रिस्क बन जाती है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, टीचर्स को फीस नहीं मिल रही है, तो ये सम रिस्क है। लेकिन ये थोड़ी है कि हमेशा कोरोना काल चलता रहेगा या हमेशा ऐसा रहेगा, नहीं। तो बाई चांस प्रोफेशनल जो काम होता है उसके अंदर सम रिस्क होती है, बहुत कम मात्रा में रिस्क रहती है। लेकिन बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहां पर फिक्स एंड रेगुलर पे, नो और लिटिल रिस्क। यहां पर नाम मात्र की जोखिम होती है, यहां पर नाम मात्र की रिस्क होती है। आपने वर्क किया है तो 100 में से 99.99% आपको सैलरी मिल जाएगी। 0.1% चांस बन सकता है कभी कि हो सकता है आपको सैलरी न मिले, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिस्क जो है वो रिस्क बहुत कम होती है, यहाँ पर थोड़ी ज्यादा, और यहाँ पर जो रिस्क बहुत ज्यादा होती है बिजनेस में। बिजनेस में तो कदम कदम पे, ऑन ईच स्टेप्स देर आर रिस्क। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, हम हित हस्तांतरण की बात करें, हाँ हम तो देखिए, कुछ औपचारिकताओं के साथ हित हस्तांतरण संभव है। मतलब आप जो अपना जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपना चाहे तो संभव, बिजनेस में तो हो सकता है। ट्रांसफर पॉसिबल विथ सम फॉर्मेलिटीज। मैं मेरा कारोबार मेरी धर्म पत्नी को सौंपना चाहता हूं, ठीक है, बिल्कुल वो इस काम को कर सकती है, वो मेरी जगह पर सीट संभाल सकती है और काम कर सकती है। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, तो जब तक मैं यहां पर नहीं हूं तब तक वो मेरी जगह पर मेरे बिजनेस में काम संभाल सकती है, ठीक है। लेकिन बात करें प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। एक डॉक्टर है, वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहा है,
ठीक है, और वो अपनी जगह पर इलाज करने के लिए अपनी धर्मपत्नी को बिठा के चला जाए, तो क्या उसकी मिसेज, क्या उसकी वाइफ ट्रीटमेंट दे सकती है? नहीं दे सकती। तो हित ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, और एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी पॉसिबल नहीं है। एक सैनिक है, वो कुछ समय के लिए अपने घर पे आ जाए और सोचे कि चलो मैं मेरी बीवी को बॉर्डर पे भेज देता हूँ, जब तक मैं 1 महीने मेरे घर पे आराम कर लेता हूँ, तब तक मेरी मिसेज जो है, अभी मेरे जो और कोई मेरे जो जानकार हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो वहाँ पर मेरी जगह ड्यूटी कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में जो आपका इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, हित हस्तांतरित नहीं हो सकता, खुद को ही काम करना पड़ेगा। यहां पर दोनों की पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी ड्यूटी ज्यादा है, पर्टिकुलर पर्सन को वहां पर प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर पर्सन को प्रेजेंट होना इतना नीड नहीं है। बात करें कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, आचार संहिता या जिसे हम कहते हैं नियमावली। तो देखिए, आचार संहिता, नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। बिजनेस का ऑनर मैं खुद हूं, मेरा खुद का बिजनेस है, तो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी अकॉर्डिंग टू मी चलेंगे, आचार संहिता भी मेरे खुद के अनुसार, क्योंकि मैं खुद बिजनेस का ऑनर हूं। हाँ, तो यहां पर कोई भी प्रेस्क्राइब, मतलब जैसे प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में होता ना, वैसे प्रेस्क्राइब नहीं होते। कोड ऑफ कंडक्ट तो होते हैं, आचार संहिता लागू होती है, लेकिन प्रेस्क्राइब नहीं होते, किसी के द्वारा थोपे हुए नहीं होते, है ना, यहां पर खुद के बनाए हुए लागू होता है। तो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। प्रोफेशन, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। यहां पर जो जिस भी पेशे में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप एक शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, या आप एक डॉक्टर हैं, या आप एक लॉयर हैं, या आप एक सीए हैं, जिस भी प्रोफेशनल काम में हैं, वहां पर आपको उस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर। बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेट डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। जो भी आपके ऑनर ने आपको जो रूल्स रेगुलेशंस जो बताए हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, आप उनको बिना फॉलो किए नहीं चल सकते। तो साफ साफ कह रखा है कि कोई आचार संहिता नहीं होती, पेशेवर आचार संहिता का पालन करना होता है, और व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। बात करें एग्जाम्पल्स की, तो देखिए, कोई भी शॉप, कोई भी फैक्ट्री क्या हो सकती है? आपका बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आपकी कोई फैक्ट्री है, या आप और कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे हुए हैं, आपकी कोई इंडस्ट्री वगैरह है, या आप कोई सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं, तो वो आपकी क्या है? वो आपका बिजनेस है। बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना। लीगल, मेडिकल, प्रोफेशनल, सीए, ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशनल काम होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो जॉब्स इन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये सब क्या है? तो ये सब एम्प्लॉयमेंट है, ये सब नौकरियां हैं, ठीक है। सर्विस, एक टीचर, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, मैं खुद यहाँ पर आपको ऑनलाइन वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का चैनल बना हुआ है, मैं खुद मेरे अलग से इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हूँ और मैं खुद उसका डायरेक्टर हूँ। हाँ, तो ये मेरा बिजनेस भी है, ये मेरा प्रोफेशन भी है, मेरा काम प्रोफेशनल है, ठीक है, तो ये मेरा प्रोफेशन है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। लेकिन जब मैं किसी दूसरी संस्था के अंडर में काम कर रहा हूँ, किसी दूसरी संस्था के लिए काम कर रहा हूँ, ये चैनल किसी दूसरी संस्था का है, ये मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वो स्कूल किसी दूसरे व्यक्ति की है, मैं उनके अंडर में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं एक टीचर होते हुए क्या है? मेरी एक एम्प्लॉयमेंट है, मेरी एक नौकरी है। क्लियर। तो ये था आपके सामने डिफरेंस, अंतर व्यवसाय पेशा और रोजगार के अंदर, कि व्यवसाय में, पेशे में और रोजगार में क्या अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।